हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। और ये है थोड़ी सी शॉपिंग जो कि किचन के लिए मेरे हस्बैंड लेकर आए हैं। काफ़ी चीज़ें बहुत दिनों से नहीं थी, तो ये सबसे पहले ये कढ़ाई लेकर आए हैं। ये कस्कुट की कढ़ाई है, तो काफ़ी दिन से मैं सोच रही थी इसको ख़रीदने की। तो हमारे यहाँ लखनऊ में ना ये अय्यागंज है, वहाँ पर सही रेट का मिल जाता है। तो मैं काफ़ी दिन से सोच रही थी वहाँ जाने की, बट जा नहीं पाई। तो मेरे हस्बैंड यहाँ पास की दुकान से ही ये ले आए थे। तो ये कस्कुट की कढ़ाई है, हम लोग स्टील की जो यूज़ करते हैं तो उससे ये बहुत अच्छी रहती है। तो कस्कुट की कढ़ाई है, और एक ये कढ़ाई लाए हैं स्टील की, जो आजकल काफ़ी ट्रेंड में है। मतलब मोस्टली आपको सबके घर के किचन में दिखती ही होगी, आप रील्स वगैरह देखते हैं। तो मैंने कहा मैं भी ले लेती हूँ इस तरह की कढ़ाई, और ये स्टील की है और इसके साथ लिड भी है। तो लिड जो है ना दोनों कढ़ाई में आ जाएगी, दोनों में फिट बैठ रही थी। और यहाँ पर ये डोसे का तवा है, मेरे पास डोसे वाला तवा था, वो ख़राब हो गया था, तो ये डोसे का तवा भी ले आए मेरे हस्बैंड। और ये मतलब इसमें काफ़ी बड़ा डोसा भी बन जाएगा, पहले इतना बड़ा नहीं था, नॉर्मल साइज़ का था, तो इसमें खूब अच्छे से डोसा बन जाएगा। तो मैं किसी दिन डोसा बनाऊँगी तो आपको ज़रूर दिखाऊँगी। और साथ में इसके ये कलछुली भी मिली है, लकड़ी की है ये, वुडन, बट इसके साथ डोसे मुझसे तो नहीं बनता, आप लोगों से बनता हो तो ज़रूर बताएगा कमेंट करके। साथ में यहाँ पर ग्लासेस भी आई हैं, तो ये बोरोसिल की ग्लासेस हैं, बहुत लाइट वेट है, मतलब हाथ में लो तो समझ ही नहीं आ रहा है कुछ है भी, बहुत ही लाइट वेट है। और ये बहुत सिंपल सी लगी मुझे, मतलब डेली के लिए बहुत अच्छी लगी मुझे। इधर आजकल मेरे पास ग्लासेस भी नहीं थी, टूट गई थी, तो दो तरह की ग्लास लाए हैं। इसी तरह की है, वो थोड़ी सी साइज में छोटी है, तो वो मैंने रख दी थी। और यहाँ पर ये लाए हैं कप, तो कप मुझे बहुत सुंदर लगे, आप ज़रूर बताइएगा आपको कैसे लग रहे हैं। तो ये आज तो मेरी ड्रेस से भी मैच कर रहे हैं, कपड़े से मेरी, ग्रीन कलर के कप हैं, इसमें प्रिंट है, तो बहुत अच्छे कप हैं। तो इसको भी मैं संभाल के रख दूंगी, गेस्ट वगैरह आएंगे तो उनके लिए, बाकी अभी डेली के लिए तो कप निकाल के रखे ही हैं। तो यही थोड़ी सी शॉपिंग थी जो हस्बैंड करके लाए थे, तो मैंने कहा आपके साथ भी शेयर करूँ। अब मेरे घर पे तो मतलब मोस्टली हमारे घर पे होता है ना कि कुछ भी नया चीज़ आती है या कुछ भी, तो हम लोग उसकी पूजा करते हैं। तो भाई ये नया बर्तन आया है, तो इसमें कढ़ाई में मीठा बनाऊंगी सबसे पहले, क्योंकि मीठे से ही शुरुआत होती है हर चीज़ की। तो इसमें पहले हलवा बनाऊंगी और ठाकुर जी को भोग लगाऊंगी, देन घर पर हम लोग सब लोग खाएंगे, उसके बाद से इसमें नमकीन चीज़ बनाना स्टार्ट करूंगी। तो मैंने कहा मीठे में सबसे ईजिली हलवा बन जाता है, तो हलवा ही बना लेती हूँ। और आदिराज का काफ़ी मन भी था हलवा खाने का, तो यहाँ पर मैंने पहले घी डाल दिया था और ड्राई फ्रूट्स मैंने डाल दिए हैं। ड्राई फ्रूट्स मैं डाल रही हूँ, बट मेरा बेटा ना पता नहीं उसको क्या प्रॉब्लम है, उसको ड्राई फ्रूट्स भी नहीं खाना, सब्जी भी नहीं खानी, फ्रूट्स में भी बहुत ही गिने चुनी चीज़ें खाता है, तो इसको वो छाट देगा, वो तो मुझे पता है, बट मैं डाल देती हूँ। एक माँ को लगता है ना कि अपने बच्चों के लिए सब चीज़ डाल दो, बच्चे खा लें, बट बच्चे आजकल के खाते नहीं हैं। तो यहाँ पर मैंने ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट कर लिया है, अब मैंने डाल दी है सूजी। और इसमें अगर आप बेसन डाल के बनाते हैं ना, थोड़ा सा इसमें अगर साथ में बेसन भी डाल दो और तब भून के रवे का ये हलवा बनाओ तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। बट उस समय मतलब जो था ना बेसन, मेरा पता नहीं कहाँ पर रखा हुआ था, मुझे मिल नहीं रहा था। एक्चुअली मैंने किचन की सफाई करी थी, तो थोड़ा इधर उधर सामान हो गया था उसमें, मुझे याद नहीं आ रहा था कहाँ रखा है। और थोड़ी जल्दी थी बनाने की, अधिराज को भूख लगी हुई थी, तो इस वजह से फिर मैंने बेसन नहीं डाला। लेकिन आप थोड़ा सा इसमें साथ में बेसन डाल के ज़रूर बनाइएगा, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और मतलब बहुत यम लगता है, समझ लीजिए। देन इसमें मैंने चीनी डाल दी है और पानी डाल के इसे खौला लूँगी अच्छे से। तो जब ज़्यादा पानी डालो ना तो रवा जो होता है ना वो बहुत अच्छे से फूल जाता है और बहुत दानेदार बनता है जो हलवा होता है। तो यहाँ पर मैंने पानी डाल दिया है, और ऐसे ना मुझे जो चाशनी वाला हलवा होता है रवे का, वो बहुत पसंद है। तो मैं दो तरह से बनाती हूँ, आज तो मैं जल्दी में थी तो इस तरह से बना रही थी। मैं क्या करती हूँ ना, रवे को दूध में भिगो देती हूँ, और जब वो सोख लेता है, एब्जॉर्ब हो जाता है, तब उसे देसी घी में भूनती हूँ। और जब वो गोल्डन हो जाता है भुनकर, उसके बाद उसमें मैं चीनी की चाशनी बनाकर रखती हूँ, वो डालती हूँ, देन ड्राई फ्रूट्स वगैरह रोस्ट के डाल देती हूँ। उसका टेस्ट मतलब अमेजिंग आता है, अमेजिंग, माउथ मेल्टिंग वाला हलवा बनता है वो। बट आज जल्दी थी ना, तो मैंने कहा इस तरह से ही डेली वाला बना लेती हूँ, कभी कभी ये भी चल जाता है। तो यहाँ पर हलवा तो भाई रेडी हो गया है, तो पहले तो मैं निकाल लेती हूँ ठाकुर जी के लिए। शाम की आरती के टाइम पर मैं भी ठाकुर जी को भोग लगा दूंगी, और यहाँ पर उसके बाद मैं अधिराज को देने जा रही हूँ। पूजा वूजा कर दी मैंने, भगवान जी को भोग लगा दिया,
अब जा रही हूँ अधिराज को टेस्ट कराती हूँ उनको कैसा लगता है। तो ये देखिए अधिराज आराम फरमा रहे हैं, एक्चुअली एकेडमी से आया है अधिराज, आजकल क्रिकेट एकेडमी जाने लगा है। तो आया था, उसे बहुत तेज भूख लगी थी तो आया था, तो 10 मिनट करा मम्मा मुझे फ़ोन दे दो, तो मैंने फ़ोन लिया इनसे तुरंत और हलवा दिया खाने के लिए। और आजकल क्या होता है, बच्चों को इतनी ज़्यादा हैबिट हो गई है ना कि खाते समय फ़ोन देखना है, बहुत ज़्यादा हैबिट हो गई है। बट कोशिश अब मैं यही करती हूँ कि इसे बिल्कुल फ़ोन ना दूँ, लेकिन हाँ बीच बीच में थोड़ा बहुत तो बच्चे ले ही लेते हैं फ़ोन, चाहे जितना छुपा के रखो इनको मिल जाता है। तो यहाँ पर अधिराज को हलवा तो पसंद आ गया था, तो बता रहा था मम्मा भी गर्म है लेकिन अच्छा बना है। तो यहाँ पर मैंने इनको हलवा दे दिया था, अब जा रही हूँ मैं डिनर की तैयारी करने। एक्चुअली अधिराज ना 4 से 7 की एकेडमी है, क्रिकेट एकेडमी जाता है, तो 7 बजे से लेके आओ, फिर उसके लिए कुछ बनाओ खाते पीते, उसको 7:30-8 बज जाते हैं, देन सर आ जाते हैं उसके 8 बजे, उसके बाद मैं तब तक डिनर बना लेती हूँ। तो 9 बजे तक मेरा डिनर फिर बन जाता है, जिससे वो खाकर फिर तुरंत उसे डिनर भी देना रहता है। तो यहाँ पर आज मैं इंस्टेंट बनने वाली सब्जी बना रही हूँ, जो कि बहुत टेस्टी लगती है और बहुत जल्दी बन जाती है। तो पहले मैंने तेल डाल दिया है, उस पर जीरा डाल दिया है, और उसके बाद मैंने डाल दी है फाइनली चॉप्ड अनियन। और अनियन को भी चॉप करने में आजकल बिल्कुल टाइम नहीं लगता, क्योंकि चॉपर जो आ गए हैं ना आजकल मार्केट में, इतना ईजी हो गया इन सब चीज़ों को चॉप करना कि मैं बता नहीं सकती। मतलब जो 5 मिनट का काम था ना, वो 1 सेकंड में हो जाता है, बहुत इजी हो गया है सब चॉप करना। तो मैं तो चॉपर का ही यूज़ करती हूँ, मुझे बहुत इजी लगता है, अब हाथ से मैं बिल्कुल चॉप नहीं करती, ये सब चीज़ें मुझे बहुत अच्छे से चॉप करने में लगता है चॉपर से। देन इसके बाद मैंने डाल दिया है जिंजर गार्लिक पेस्ट। तो जिंजर गार्लिक पेस्ट तो मैं हमेशा घर पर ही बनाती हूँ, मार्केट का यूज़ करो ना तो पता नहीं क्या क्या उसमें मिला रहता है, तो घर पर ही मैंने बनाया है। जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दिया है, और साथ ही बेसिक से मसाले सब्जी के हमने डाल दिए, मतलब जो कि डालते हैं हम लोग नॉर्मल हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, सब्जी मसाला, तो थोड़े से मसाले डाले हैं, बहुत ज़्यादा मसाले नहीं डाले हैं। और ये सब्जी ना इतनी अच्छी लगती है, इंस्टेंट बन जाती है, और बिल्कुल भी ड्रामा नहीं है कि हाँ आधे घंटे 1 घंटे लगता है, 10 मिनट भी नहीं लगता पूरा, और ये बन के रेडी हो जाती है। इसके बाद मैंने डाल दिया इसमें हरी मिर्च और खूब सारे टमाटर डाल दिए। तो ये देखिए जो चॉपर था ना, उसी से मैंने टमाटर भी चॉप किए, और कितने फाइन चॉप हुए हैं, मतलब अभी 3 टमाटर को काटने बैठते हैं ना इतना महीन महीन, तो कम से कम 5 से 7 मिनट तो लगता ही लगता। और यहाँ पर सिर्फ मुझे लग रहा है 1 मिनट लगा था इतने टमाटर को चॉप करने में। देन टमाटर को चॉप करके मैंने इसमें नमक डाल दिया है, तो नमक डाल दो तो टमाटर बहुत जल्दी गल जाते हैं, और ये टमाटर जो है वो भी गल चुके हैं, और देखिए ना तेल जो चारों तरफ से बिल्कुल रिलीज हो गया है। और ये देखिए जब तेल रिलीज हो जाता है ना, तो महक भी बहुत अच्छी आती है, और मसाला भी समझ में आता है, ये इसका जो होता है ना कि सिम्टम होता है कि मसाला जो है वो भुन चुका है। तो यहाँ पर टमाटर भी मैंने बहुत अच्छे से इसमें गला लिए हैं। अब इसमें मैंने डाल दिया है पानी, और पानी ज़्यादा नहीं डाला है, थोड़ा ही डाला है, क्योंकि ये बिल्कुल ग्रेवी वाली सब्जी नहीं बना रही मैं, इसमें हल्का सा बस कहते नहीं मेरे घर में बोलते हैं हल्की सी फसी फसी, और मतलब थोड़ी सी सेमी ग्रेवी वाली सब्जी उस तरह की। तो बस हल्का सा इसमें बॉयल ले लूँगी मैं, बॉयल लेने के बाद इसमें मैं डाल दूंगी पनीर। तो यहाँ पर मैं बिल्कुल बना रही हूँ ढाबे वाली पनीर भुर्जी, तो ये बॉयल आ गया है, और मैंने इधर पनीर ग्रेट करके रखी है, मैश करके भी डाल सकते हैं, ग्रेट करके भी डाल सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा हो वैसा डालिए, क्योंकि बनानी तो इसमें भुर्जी ही है। तो मुझे ना सबसे ईजी सब्जी लगती है ये, और लौकी कद्दू ये सब बनाओ बन तो जाता है जल्दी, बट बच्चों को जल्दी पसंद में आता नहीं है, और मेरे हस्बैंड को भी बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मुझे अगर पनीर की सब्जी इंस्टेंट वाली बनानी होती है ना, तो मैं यही बनाती हूँ, और बहुत अच्छे से सब लोग खा भी लेते हैं, और बहुत जल्दी बन जाती है। तो यहाँ पर ये जो है पका लिया है मैंने इसे 5 मिनट पनीर को डालकर, और खूब सारी धनिया डाल दी है मैंने इसमें, और ये पनीर भुर्जी जो है वो गर्मा गर्म बन के रेडी हो गई है। अब क्या सब्जी बन गई है, इसके साथ मैं सेकूंगी रोटी, और ये देखिए बहुत ज़्यादा ग्रेवी नहीं है, हल्की ही ग्रेवी डाली मतलब बनाई है मैंने, ये पानी वाली नहीं है, ढाबे में आप खाएंगे ना तो इसी तरह से मिलती है, बिल्कुल ड्राई वाली नहीं, मतलब ये हल्की सी ग्रेवीदार बनाते हैं वो लोग, तो बहुत अच्छी लगती है खाने में। और यहाँ पर मैं रोटी बना ही रही थी कि अधिराज आ गए, उनको बहुत तेज़ भूख लगी है, और मैंने उन्हें दिखाया कि बेटा सब्जी बन गई है, बस मैं रोटी सेक रही हूँ। तो आप लोग क्या प्रीफर करते हैं, रोटी प्रीफर करते हैं या पूड़ी, ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। मेरे घर में ना मैं मोस्टली सोचती हूँ कि रोटी ही बनाऊँ, कोई भी सब्जी बनती है ना तो रोटी ही बनाने की कोशिश करती हूँ, और सब लोग खा भी लेते हैं, मतलब पूड़ी काफ़ी ज़्यादा ऑयली हो जाती है, तो कोशिश करती हूँ रोटी ही बनाऊँ, और अधिराज भी खा ले, हस्बैंड भी खा ले, मैं भी खा लूँ।
और रात के समय तो बहुत ही कोशिश करती हूँ कि रोटी ही बनाऊं। दिन में तो एक बार फिर भी चल जाता है पराठा, क्योंकि हम लोग चलते फिरते रहते हैं, थोड़ा सा डाइजेस्ट हो जाता है, बट रात में पूरी ज़्यादा ऑयली हो जाती है। तो यहाँ पर फिर मैंने रोटी भी बेल ली है और ये खाना जो है वो बनकर रेडी हो गया है। तो मैंने सबसे पहले लगा दी है पनीर की भुर्जी गरम गरम सी, तो ये लगा रही हूँ मैं। हस्बैंड की थाली है, धीराज खा चुके हैं, और यहाँ पर पनीर की भुर्जी मैंने लगा दी है। साथ में ये लगाई है मैंने आम की लौंजी, जिसको यहाँ पर हम लोग यूपी में और मेरे घर पे हम लोग गलका बोलते हैं। आप लोग क्या बोलते हैं जरूर बताइएगा। तो यहाँ पर मैंने गलका लगा दिया है, ये बहुत अच्छा लगता है। देन साथ में सैलेड में प्याज रख दी है, और उसके बाद मैंने यहाँ पर रख दिया है राइस। और राइस तो बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी होता है हमारे घर पे, सबको बहुत पसंद है राइस खाना। रोटी नहीं खाते एक बार चल जाता है काम, बट बिना राइस के हम लोगों का पेट नहीं भरता है। देन साथ में रोटी रख दी है, और ये गरम गरम सी थाली बिल्कुल रेडी हो चुकी है। सो गाइज, आपको आज का व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। बाय बाय।